Assalamualaikum guys, मैं हूं शबनम गद्दस अपने नए व्लॉग के साथ। और व्लॉग में आपको ये रूम डेकोरेशन से पता चल रहा होगा कि अभी क्या है। ये जनाब मेरे बच्चों की सालगिरह है। मेरा बेटा जुहेर 5 साल का से हेलो, एंड ये मेरी बेटी इज़ाइना। ये देखें जी, इन लोगों को ड्रेसेस भी नज़र आ रहे हैं। मैंने जो पहले व्लॉग इनको कपड़ों का और टाइस का आप लोगों को दिखाया था, वही ड्रेसेस इन्होंने पहने हैं जो हम लोगों ने इनके बर्थडे के लिए बाय किए थे और मनी बॉक्स से बाय किए थे। वो व्लॉग ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। तो अभी हम लोग सालगिरह मनाने का बेसिकली मकसद ये था कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। जो ही अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो गया, इन्होंने हमें कहना शुरू कर दिया कि मामा बाबा आप क्या ड्रेस बाय करेंगे, क्या सेलिब्रेट करेंगे। तो इनके पेपर स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से हम लोगों का इरादा जो है वो दरमियान में ख़त्म हो गया कि नहीं यार, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करेंगे। नहीं तो आप लोग लास्ट जो इन लोगों की बर्थडे सेलिब्रेट की थी उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें आप देखिएगा कि जब भी इनकी बर्थडे होती है हम लोग रिलेटिव को बुलाते हैं, इनके ददियाल वाले और मेरे मेके वाले आते हैं, तो फिर मिल के सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अभी सिंगल बर्थडे इस वजह से है क्योंकि इनके पेपर थे, और पेपर की वजह से मैं नहीं चाहती कि कोई गेस्ट आए तो फिर ये पढ़ते नहीं हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हम अकेले ही सेलिब्रेट करेंगे। अभी अकेले सेलिब्रेट करने का वैसे मज़ा तो नहीं आ रहा, जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना बर्थडे सेलिब्रेट करने का ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आता है। चॉकलेट वाला जो है वो जुहेर का है, और ये वाइट वाला जो है पाइनएप्पल वाला ये ज़ाइना का है। और आप लोगों को कुछ कैंडल्स और कुछ दूसरी चीज़ें पार्टिकल्स वगैरह आप लोगों को नज़र इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि हम लोग जब केक वगैरह खाते हैं तो वो पार्टिकल्स और कैंडल्स के जो केमिकल्स हैं वो अंदर जाते हैं हमारे खाने के साथ साथ, और वो हमारे लिए हाईली डेंजरस हैं। आप लोग भी कोशिश किया करें कि ये सारा मतलब ये कैंडल्स वगैरह पहले से ही उसको कर लिया करें, लेकिन केक के ऊपर बेसिकली ना लगाया करें। ठीक है, चलो बच्चों लेट्स स्टार्ट। चलो जी खाए पहले पहले मैं जान बर्थडे Happy birthday Zaina। Happy birthday dear Zuhair। Happy birthday। इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, ट्रायंगल के साथ। अच्छा यहाँ से भी खाते। अच्छा अच्छा पाइनएप्पल नहीं खाते। पाइनएप्पल वाला फिर लेके क्यों आई हैं आप? ले जी मुझे ये वाला और ये वाला। ये चेरी। अच्छा रख दें। अब ये जनाब इधर एक मिनट, ये वाला खाना है? हा? ये वाला खाना ये वाला भी और ये वाला। अच्छा जी, अब सबसे पहले बर्थडे गर्ल को हम देंगे, ये भी। बर्थडे गर्ल को हम देंगे और उसके बाद बर्थडे बॉय को देंगे जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उसने मेरा वेट किए बगैर ही जनाब खाना शुरू कर दिया। जैना देती हूँ ये ले, चले खाए। हैप्पी बर्थडे जैना, give me one kiss। Happy birthday Zuhair। ये नहीं चाहिए। अच्छा जी Zuhair को। अच्छा स्ट्रॉबेरी बाद में खा लेना ना, अभी हम केक तो काट के पहले Zuhair को तो चक्कर आ दें। ये लें जी मुझे भी, और ये बाबा को भी इनके चक्कर आए जो के हमारे कैमरा मैन जी हैं। ये व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को आइडिया दूं कि किस तरह से आप सिंगल बर्थडे जो है सिंगल फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो किस तरह से आप सेलिब्रेट करें, और अगर पेपर्स आ जाते हैं तो पेपर में क्या सिचुएशन होती है। तो आप लोग कोशिश करें कि बच्चों की स्टडी के मामले में किसी तरह का कंप्रोमाइज़ ना करें, छोटी सी इसी तरह से घर में सेलिब्रेट कर लें। और ये डेकोरेशन देखें, ये मैं आप लोगों को दिखा दूं या ये दिखाइएगा। ये मैंने जो वाइट पेपर है, रात को उठ के मैंने 10:30 बजे में बैठी थी और ये मैंने खुद ही लिखे हैं, ये मेरी हैंड राइटिंग से थे। जैना कह रही थी मामा कुछ ना कुछ तो कर दें, तो ये रात को मैंने 1-1.5 घंटे का काम था जो मैंने बैठ के किया,
और ये बैलून्स वगैरह मैंने सारे फुला के, ये सारी पीछे ये जितने भी बैलून्स हैं इनमें से कुछ होंगे जो जायना और जायना के बाबा ने किए होंगे। तो ये रात को सारा काम मैं फिनिश करके तो सोई थी। ये पीछे ये देखें, ये हैप्पी बर्थडे बहुत प्यारा लग रहा है। ये मार्केट से बाय करके लाए हैं इसके बाबा, उन्होंने ये डेकोरेशन की है। बाकी जितनी भी आप लोगों को डेकोरेशन, ये सारे बलून्स, ये सारी चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मी सबाम गदस। ठीक है, तो ये थी हम दो बेबीज जिनकी हमने एक ही दिन बर्थडे सेलिब्रेट की और किस तरह से की और क्या क्या आइडियाज़ थे इसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही दिन इनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये तो नहीं है कि इसकी डेट और हो और इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आज ही हो और एक ही दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग उन खुशकिस्मत पेरेंट्स में हैं जिनके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ सेम डेट पर है, बस 2 साल का फ़र्क है। तो लकीली एक ही दिन हम लोग 25 अक्टूबर को 2015 में ये पैदा हुआ, 2013 में ये पैदा हुई और एक ही दिन आ गया और हम लोगों के लिए ये हुआ एक तीर से 2 शिकार हो गए। लेकिन फिर भी हमें 2 केक लाने पड़े। मैं कह रही थी कि एक ही केक आ जाता, हाफ साइड पे चॉकलेट हो जाती और पाइनएप्पल हो जाता, लेकिन बच्चों ने जिद किया कि हमने 2 केक लेके आने हैं। तो अभी हम जो हैं वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें जो जो आइडियाज़ मैंने आप लोगों को दिए हैं कि बच्चों की स्टडी के मामले में कंप्रोमाइज़ ना करें और बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट भी करनी है तो आप इसी तरह से छोटा मोटा फंक्शन करके तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की खुशियाँ जो हैं हम पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। ये मोमेंट्स होते हैं जो कि बच्चे बड़े होते जाएंगे तो इनके माइंड में सेव रहती हैं ये चीज़ें और फिर याद करेंगे, फिर अपने बच्चों को सुनाएंगे, इसी तरह से आगे ये लम्हात जो हैं वो बढ़ते जाएंगे और हमारी मेमोरी में भी ये चीज़ें सेव होती जाएंगी कि हम जब ये बड़े होंगे, इनके बच्चे होंगे, हम उनके साथ ये शेयर करेंगे और वीलॉग की सूरत में भी ये वीडियो जो है वो कैप्चर हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं अपनी YouTube फैमिली के साथ, अपनी इस फैमिली की, मेरे जो बच्चों की बर्थडे है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और कुछ वीडियोस ऑलरेडी प्री बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं। मे बी नेक्स्ट भी वीलॉग इससे रिलेटेड आए। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग अपने बच्चों की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या गिफ्ट्स किस तरह से बाय करते हैं, क्या सरप्राइज़ करते हैं, किस तरह की कलर्स की कम्बिनेशन करते हैं या माइंड में रखते हैं कि इस कलर का लड़की को पहनाएंगे, लड़के को पहनाएंगे। ये आइडियाज़ आपने मुझे बताने हैं ताकि मैं नेक्स्ट बर्थडे के लिए ये माइंड में रखूं और मुझे इनकी ड्रेसिंग का, केक्स का, मेरी प्रेजेंट करने का और जितना भी ये रूम डेकोर किया है इसके बारे में आप लोगों ने मुझे बताना है। कहीं पे भी कोई कमी पेशी रहेगी होगी वो भी मेरी इस YouTube फैमिली ने, मेरी इस फैमिली के लिए बताना है। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो मुझे इजाज़त दें, सब हम कदस को बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।